अगर आपको सांप ने काट लिया तो क्या करोगे? डिपेंड करता है सांप कौन सा है। ब्लैक मामा या रसल वाइपर हुआ तो मैं घर वालों को एटीएम का पिन दे दूंगा और गूगल हिस्ट्री डिलीट। अच्छा, और कोबरा ग्रीन या रैट स्नेक हुआ तो मैं जहरीले विश भाई को फोन करूंगा ना। ये कुछ स्नेक्स हैं जिनका जहर आपने लिया और मान लो मरे नहीं, मौत को छूकर टक से वापस आ गए तो बहुत ही महंगे नशे कर लोगे। 1 ग्राम पॉइजन 3.5 लाख का बिकता है। अमीर लोग ये पैसा इसलिए देते हैं क्योंकि एक तो स्टेटस है और दूसरा इसका नशा चरस गांजा शराब के आसपास भी नहीं है। और ये मैं नहीं, सरकारी रिपोर्ट्स बोलती हैं। इंसान को नशा कैसे होता है समझो। नशीला पदार्थ बॉडी में जाकर आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को बंद कर देता है जिसकी वजह से आपके बॉडी के नर्व सेल्स बॉडी में सिग्नल नहीं भेज पाते और आपको हाई होता है। स्नेक वेनम सबसे लीथल इंटॉक्सिकेशन है। 3 से 4 हफ्ते तक इसका नशा चलता है और शुरुआत में आपको टेम्परेरी पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस, बेहोशी, हेलुसिनेशन वगैरह हो सकता है। बाद में जन्नत होती है। तो भारत में मिलता कैसे? इलीगल सपेरों के थ्रू। अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 सांप पालना इलीगल है। हाँ दोस्तों तो चलेगा, लेकिन इस एक्ट में सपेरों को एग्जेम्प्ट किया है क्योंकि उनका लाइवलीहुड भी इस पे डिपेंड करता है। बाय द वे, आप किसी स्नेक वेनम डीलर को जानते हो क्या? कमेंट में बताओ।